हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं सेम की एक मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम जो फली होती है ना, इसको ऐसे लेके इसके जो ऊपर और नीचे का सिरा होता है उसको चाकू से कट करके जो इसके रेशे होते हैं वो आपको निकाल लेने हैं। तो जो थोड़ी सॉफ्ट सेम होती है उसमें नहीं भी होते हैं, लेकिन बाकी सेम के जो आपको इस तरीके से निकाल लेना है और फिर उसको ऐसे हमने पीसेस में कट कर लिया है। और अब उसको रखेंगे हम साइड और एक कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल 1 बड़ी चम्मच। उसको जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच राई, यानी राई के दाने डाल देने। और दोनों चीज़ें जब अच्छे से उसके अंदर चटक जाए, अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए, तो यहाँ पे डाल दीजिए 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसको भी इसके साथ हम भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी, यानी आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी डाली है। और फटाफट से हल्दी को मिक्स करके 3 से 4 आलूओं को हमने ऐसे मोटा मोटा कट कर लिया, और उसके बाद इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बीच में थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और आलू में जब हल्का सा गोल्डन कलर सा आ जाए ना, तो यानी कि आलू आपके आधे पक चुके हैं, क्योंकि आलूओं को सेम के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, इसलिए हमने आलूओं को पहले डाल दिया। तो गाइस, वैसे तो आप यहाँ पे इसको प्याज लहसुन डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। बिल्कुल देसी और बिल्कुल सिंपल सा सब्जी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए, 2 छोटे टमाटर डाले हैं, उसको हल्का सा मिक्स कर दिया। टमाटर को गलाने का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, बस आपको हल्का सा सॉटे करना है। और उसके बाद जो हमने बीन्स, यानी जो हमारी सेम की फली है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ी देर उसे पकने देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है गाइस कि हमने यहाँ पे अभी कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं डाले हैं, डायरेक्ट सब्जी को हम ऐसे ही पका रहे हैं। और बस 4 से 5 मिनट आप इसको ढक्कन लगा के पकाइए, लो फ्लेम पे पकाना एकदम। और उसके बाद आप देखेंगे बीच बीच में इसको मिक्स भी करना, और फिर उसके बाद आप देखेंगे ना, जबकि सब्ज़ी हल्की हल्की पक जाएगी तो तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे नमक, नमक यानी स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। 1 छोटी चम्मच मैंने डाला जो धनिया का पाउडर होता है वो, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बस एडिशनल मसाले कुछ नहीं डालेंगे। कभी कभी ना ऐसे बेसिक से मसालों के साथ सिंपल सी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। तो इस तरीके से क्या करना है कि बस इसको 2 मिनट के लिए आप और पकाइए, लो फ्लेम पर पकाना। उससे क्या होगा कि आलू और जो सेम है ना, उनमें अच्छे तक अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा, और आपकी जो सिंपल सी यमी सी सब्ज़ी है ना गाइस, वो बन के रेडी हो जाएगी। और बस अब यहाँ पे मैं टिफ़िन रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने साथ में तो तरी में डाल दी आलू की, जो बॉयल वाली आलू की सब्ज़ी होती है वो डाल दी। साथ में मैंने डाली है ये सिंपल वाली जो सेम की सब्ज़ी है ये। तो गाइस, आप इस टाइप की सब्ज़ी बना के जो स्कूल बक्स होता है या जो टिफ़िन ऑफिस का होता है वो दे सकते हैं। साथ में मैंने डाल दी इसमें 2-4 पूड़ियाँ, आप इसके साथ रोटी वगैरह भी दे सकते हैं, और 1 जलेबी डाल दी।